वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड देंगे। इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है, है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहां तो हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉमेसन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले है, के ये जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का... कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़्यादा से नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर हाँ एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने, देखने को मिलती है कंपनी देखने, देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेने एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को। वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉमेसन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा खुरेला उसी के साथ साथ अंत, आ, अंतरा माली और सीमा बिश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन मिल देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूजर्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस से ज्यादा नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया, जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल आला है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा बरें? किस लैंग्वेज है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को यह मूवी इजीलि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वलत तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा विश्वास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है, जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को देखने मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस गर्लस उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी स्लैंग किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा Coba, एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी मूवी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है अगर हम लोग बात करें इस डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल आला है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहां तो हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीलि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर अवेलेबल है, है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया चान्स जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल जी वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की लड़की ड्रैगन सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट करता है

एन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि मूवी बेसिकली किस तरह की बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया, जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को को देखने मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने, देखने को मिलती है कौन देखने, मिल देखने, देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानव के बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं है, है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को देखने मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ 8 आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से 82% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मर्तबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मर्तबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मर्तबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर रहें? किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड देंगे। इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी भा निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस से ज्यादा नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मूवी किस बनाई गई एंड अभी फाइनली कहां किस किस तो हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉमेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा बिस्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से 82% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मर्तबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मर्तबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस आया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मर्तबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे ये एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉमेसन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़्यादा से नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है।, है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी किस लैंग लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉमेसन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड देंगे। इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा खुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा बिश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया से ज़्यादा नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गए, 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 है, है तो इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये, ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जया से नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीलि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को गलत जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, आ, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया, जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल आला है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर स्लैंग किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीलि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को तो वलत जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस गर्लस उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर स्लैंग किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला साथ साथ अंत, माली और सीमा बिस्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस नहीं जाएगा बहुत बखूबी मूवी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है अगर हम लोग बात करें इस डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल आला है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जानिब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनके किस की लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली यूट्यूब पर, पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को को देखने मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन मिल देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए के ये किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस में अवेलेबल है? तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया, जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं हैं जिनमें आप लोगों को को देखने को मिल जाती लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानव के बनाई गई एंड अभी फाइनली ये पर रहें? किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं है, है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास। कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया, जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी की को किया है और लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को, मिल को, मिल को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 जो कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानिब से 82% तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मर्तबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मर्तबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मर्तबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर रहें? किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं है, है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की जी है, हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां किस लेंग, किस तो हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड देंगे। इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की का, कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, आ, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल था है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहां पर किस में अवेलेबल है? तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्पलीट इंफॉमेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये, ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस से ज्यादा नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ एट आउट ऑफ टेन जो कि इसकी आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड गूगल के यूजर्स की जानब से एटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज भी है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस दे सकते हैं अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेने एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी किस लैंग्वेज लेंग, में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीली डिज्नी प्लस हॉट पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉमेसन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले है, के ये जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा कुरेला उसी के साथ साथ अंत, अंतरा और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़्यादा से नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूजर्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम आज किस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ तो पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस से जया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मूवी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को वल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉमेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जया से नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है, जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानिए के ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां किस लेंग, किस तो हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजिली डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को गलत जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड

करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से, से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट प्रेज की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और और सीमा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल आला है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस सत्या उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहा पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को यह मूवी इजीलि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को बल तो जी अगर आप लोग भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज़ के एक्टर्स को एक जगह देखना चाहते हैं एक पर्दे पर देखना चाहते हैं आप लोगों को ऐसा देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करें इस मूवी के रिलेटेड हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने अवेलेबल है, है, है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर ले हैं इस मूवी की सारी की सारी कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मूवी की कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे मोहन लाल अजय देवगन विवेक ओबरॉय मनीषा उसी के साथ साथ अंत, अंतरा माली और सीमा विश्वास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट की है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो देना ही चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया जया नहीं जाएगा बहुत बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम लोग बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफी अच्छे से आप लोगों के सामने हैंडल किया गया है सारी की सारी डायरेक्शन को संभाल है जी राम गोपाल वर्मा ने जिन्होंने पास्ट में भी आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज प्रेजेंट भी की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं लड़की ड्रैगन गर्ल डेंजरस गर्लस उसी के साथ गॉड सेक्स एंड ट्रुथ उसी के साथ हमें खतरा देखने को मिलती है कंपनी देखने को मिल जाती है भूत देखने को मिलती है कौन देखने को मिलती है और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई हैं जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इन मूवीज़ को एक एक मरतबा एक एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवीज़ ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग पर और गूगल के यूज़र्स पर कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि आई रेटिंग जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गूगल के यूज़र्स की जानब से परसेंटेज जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है

इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली कहां तो हिंदी जुबान की मूवी है और आप लोगों को ये मूवी इजीलि डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को